अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अब हम मखसूस ज़रूरतमंद अफराद के तई हमारी जिम्मेदारियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मखसूस ज़रूरतमंद यानी माजूर अफराद जो पैदाइशी तौर पे अपाहिज या माजूर पैदा होते हैं या फिर किसी हादसे की वजह से वो जिस्मानी तौर पर माजूर होते हैं, ऐसे अफराद को आवामी मुकामात पर आने जाने के लिए कई दिक्कतों और रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन्हें मखसूस सहूलतों और मदद की ज़रूरत होती है। आपने रास्ते पर हाथ में सफ़ेद छड़ी लेकर चलते हुए नाबीना शख्स को देखा होगा। सफ़ेद छड़ी की मदद से नाबीना शख्स आवामी मुकामात पर आसानी से आ जा सकते हैं और सफ़ेद छड़ी, काला चश्मा आंखों पर लगाकर चलने वाले अफराद को देखकर आवाम समझ जाती है कि यह नाबीना शख्स है और उनकी मदद करने के लिए लोग तैयार भी हो जाते हैं। कुछ इमारतों में लिफ्ट के करीब मंजिल के नंबर ब्रेल तर्ज तहरीर में यानी उभरी हुई तहरीर में होते हैं जो हाथ की मदद से मस कर पढ़ी जाती। इसलिए किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए नाबीना शख्स इन ब्रेल नंबर का इस्तेमाल कर कोई भी मंजिल पर वो पहुंच सकते हैं। इसी के साथ नाबीना अफराद वोटिंग मशीन पर ब्रेल की सहूलत होने की वजह से वोटिंग मशीन पर ब्रेल नंबर को मस कर मखसूस उम्मीदवार को वोट करते हैं, यानी वो भी आम इंसान की तरह खुफिया राय दहिंदगी कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज और इमारतों में आपने सीढ़ियों से मुत्तसल यानी लगे हुए ढलवान रास्ता बना हुआ देखा होगा। इस ढलवान रास्ते को रैम कहते हैं। रैम की वजह से पहियों वाली कुर्सी का इस्तेमाल करने वाले या फिर एक पैर से अपाहिज, दोनों पैर से अपाहिज लोग जो लकड़ी या व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं, ये इमारतों में इनके लिए आना जाना आसान होता है। सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेज में रैम होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि माजूर अफराद भी आसानी से अपना काम कर सके। कुछ इमारतों में पहियों वाली कुर्सियाँ इस्तेमाल करने वाले अफराद के लिए मखसूस किस्म के बैतुल खला होते हैं यानी टॉयलेट होते हैं। उसी के साथ हमारी स्कूलों में भी माजूर तलबा के लिए मखसूस किस्म के बैतुल खला का इंतज़ाम होता है। स्कूल के हर इमारत में माजूर तलबा के लिए रैम का भी इस्तेमाल हम करते हैं। इन सब सहूलतों से माजूर अफराद के रोज़मर्रा के काम आसानी से होते हैं। आवामी मुकामात पर ये सहूलतें हो या ना हो, मखसूस ज़रूरत रखने वाले अफराद से हमको मोहब्बत और हमदर्दी के साथ पेश आना चाहिए। नाबीना अफराद ब्रेल तर्ज तहरीर का इस्तेमाल करके पढ़ लिख सकते हैं। ब्रेल तर्ज तहरीर यानी जिसमें हरूफ के लिए एक मखसूस नुक्तों को उभार कर एक शक्ल तैयार की जाती है। कागज़ पर दबाव डालकर मुकर्ररा नुक्तों को उभारा जाता है। कागज़ पर उभरे हुए इन नुक्तों को छूकर नाबीना अफराद लिखा हुआ मतन पढ़ सकते हैं। हमारी ज़बान में मिलने वाली दर्सी किताबों में अभी नाबीना अफराद के लिए ब्रेल तर्ज तहरीर में दर्सी किताबें दस्तियाब नहीं हैं। उसी के साथ अब हम बहरे गूंगे यानी जिन्हें सुनाई नहीं देता, जो बोल नहीं सकते, बहरे गूंगे अफराद के लिए हम इशारों की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इन्हें कहने वालों के होठों की हरकत देखकर कही हुई बात समझने का तरीका भी सिखाया जाता है। अगर हम धीरे और वाज़े तौर पर बोले
तो इनको हमारी बात समझ में आती है। अगर हम ये बहरे और गूंगे अफराद के साथ धीरे धीरे और वाजे तौर पे बात करें तो इनसे हम आसानी से गुफ्तगू कर सकते हैं। बहरे गूंगे अफराद के लिए बोलने वाले के होठों की हरकत और इशारे बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये इशारों की ही ज़बान से बोल चाल कर सकते हैं। बहरे गूंगे अफराद के लिए दिन में एक मर्तबा हर न्यूज़ चैनल पर खबरें भी चलाई जाती है, ताकि ये दुनिया के वाकई हालत से वाकिफ हो सके। माजूर अफराद की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। माजूर अफराद को तकलीफ़ में देखकर इनकी मदद करना ही हिसासियत कहलाता है।